दोनों तरफ ट्रेडिशनल कपड़ों की दुकानें हैं। ये देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर का एंट्रेंस गेट है, वो रहा ब्रह्मा जी का मंदिर। ये देखिए दोस्तों पानी के अंदर हंस मस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों पाप धोने की तैयारी चालू, तो गुरु हो जा शुरू। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम। मैं हूं आपका अपना दोस्त लोकेंद्र सिंह राठौर और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक नए वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुष्कर। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं पुष्कर घाट पर स्नान करने के लिए, तो आज वो एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। और आपसे पहले माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ब्रह्मा जी का आपको दर्शन नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा मंदिर के अंदर किसी प्रकार की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है। इस कारण हमने यहाँ पर कुछ भी शूट नहीं कराया। हाँ, थोड़ा बहुत आपको मार्केट जरूर एक्सप्लोर कर देंगे हम लोग यहाँ का। और यहाँ की खासियत थी कि ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जगह, वो भी पुष्कर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर परमिशन नहीं है इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाए। तो डायरेक्टली चलते हैं बाबू पुष्कर घाट पर। उससे पहले कुछ नज़ारे देखिए मार्केट के। और ये खड़ी आरजे बाइकर जेपीआर की बाइक, और आज का कैमरा मैन है हमारा राजेंद्र मीणा आरजे बाइकर जेपीआर। तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं हमारे होटल से बाहर निकलते हैं। ये मार्केट इस टाइप से कुछ देख सकते हैं, अभी प्रॉपर तरीके से मार्केट खुला नहीं है। देखिए हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, दोनों तरफ ट्रेडिशनल कपड़ों की दुकानें हैं। ये देखिए, और ब्रह्मा मंदिर के पास में ही हमने रूम लिया था, और यहाँ से दिखा रहा सावित्री मंदिर 0.5 किलोमीटर, बट एक्चुअल में ये होने वाला है 1 से 1.5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ के लोकल से हमने बात करी थी, उन्होंने हमको बताया किसी पे लिखने के लिए 0.5 किलोमीटर, बट 1.5 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये हम ब्रह्मा मंदिर के सामने से निकल रहे हैं, और यहाँ पर प्रसाद की दुकानें हैं, और ये है ब्रह्मा जी का मंदिर। ये ब्रह्मा जी का मंदिर का एंट्रेंस गेट है, वो रहा ब्रह्मा जी का मंदिर, और ये है मार्केट। अब हम लोग सीधे जा रहे हैं पुष्कर घाट। ये देखिए ये होटल्स हो गए। दोस्तों हम ब्रह्मा घाट पहुंच चुके हैं, जिसको मैं पुष्कर घाट बोल रहा था, सॉरी। ये बहुत पास में है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ब्रह्मा जी के मंदिर से, बहुत थोड़ी दूर पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से आप मान सकते हैं 500 मीटर भी नहीं होगा। तो यहाँ आ सकते हैं, ये इस टाइप से आपको गेट मिलेगा। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर, एंटर करते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। हम यहाँ तीर्थ स्थल पर आए हैं, थोड़े बहुत अपने पाप धोएं, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों इधर से हम लोग आए थे, और ये है ब्रह्मा घाट, जिसको मैं पुष्कर घाट कह रहा था, ये है मेन गेट। और अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं। अंदर एंटर करने के बाद में ये मंदिर है, हनुमान मंदिर, और ये आसपास दुकानें हैं। ये हम घाट की ओर जा रहे हैं, ब्रह्म घाट बोलते हैं इसे। तो दोस्तों हमने वहाँ से एंट्री की थी, और अंदर हम आ चुके हैं ब्रह्म घाट पर। और यहाँ पर कुछ निर्देश भी लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि सरोवर में स्नान करते समय साबुन शैम्पू का उपयोग ना करें और गंदगी ना फैलाएं, और ये बात सही भी है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप टी शर्ट पर फोटो भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखिए कितनी अलग अलग डिज़ाइन में है, और सबसे बेस्ट ट्रेडिशनल। भैया टी शर्ट प्रिंट करवाना क्या चार्जेस है? 200 रुपये। तो 200 में टी शर्ट भी आ जाएगी और फोटो भी आ जाएगा। तो दोस्तों इस टी शर्ट प्रिंट का प्राइस है 200 रुपये। टी शर्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, इसमें फोटो भी छप जाएगी और टी शर्ट भी मिल जाएगी 200 रुपये के अंदर। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। दोस्तों यहाँ एंटर करने के बाद में आपको मार्केट हम दिखाई रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं। ये है बजरंग बली का मंदिर हनुमान जी का, और ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से सारा नज़ारा। हम आ गए हैं पुष्कर घाट, ब्रह्म घाट पर। तो आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है आगे का, और वो देखिए ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, अरावली पर्वत हैं सारे। ये देखिए दोस्तों पानी के अंदर हंस मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए दो हंस पानी में धीरे धीरे आराम से तैर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ब्रह्म घाट पर, जिसे पुष्कर घाट भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से है पुष्कर घाट। ये मेरे पीछे देख सकते हैं लंबा वहाँ तक ठेठ, वो घाट ही घाट है, सभी नहाने की व्यवस्था है। और आप इधर देख सकते हैं पूरा ये झील है पानी, और इधर भी आप देखिए ये पूरा घाट ऐसा लग। तो दोस्तों अभी भीड़ इतनी नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब पुष्कर मेला लगता है तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और सबसे अच्छी बात एक हमको यहाँ पे जानने को मिली, और एक बात और, जिस होटल में हम लोग रुके हैं उस होटल वाले ने हमसे कहा है
कि अगर आप पुष्कर की होली देखना चाहते हैं तो हमेशा कभी भी आप होली पर आएँ तो आपको कम से कम 10 दिन या 15 दिन पहले यहाँ रूम बुक करवाना पड़ेंगे, वरना आपको रूम नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जब भी आएँ तो पहले ही बुक करवा लें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की होली पूरे इंडिया में फेमस है, पुष्कर की होली। ये पुष्कर घाट के सामने ही यहाँ पर पूजा भी करवाते हैं, अगर आप पूजा करना चाहते हैं पंडित जी के द्वारा पूजा कर सकते हैं यहाँ पर। और ये छोटे छोटे कुंड इस टाइप से बने हुए हैं और सभी बहुत दूर दूर से यात्री आए हुए हैं यहाँ पर। इस टाइप से ये दिखता है पुष्कर घाट। तो दोस्तों अब समय आ चुका है अपने पाप धोने का। तो दोस्तों राजू तो नहाएगा नहीं, ये बोल रहा है मैं नहीं नहाऊंगा, मैंने पाप ही नहीं कुछ। चल झूठा, मैंने कोई पाप नहीं किया गाइस। अच्छा हमको सिखा रिया है। इसमें कोई पाप नहीं करे, मैंने बहुत करे यार सच में। तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं, तू मेरे बेटे, तू दूध का दूल्हा हुआ है। दोस्तों वैसे हम लोग होटल के अंदर नहाकर आए थे, लेकिन फिर भी जब यहाँ आए तीर्थस्थल पर तो मेरा मन करा कि नहाना चाहिए, तो अब मैं नहा रहा हूँ। तो थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट देख लीजिए, मेरे नहाने के नहीं, सिर्फ स्नान करते हुए के सिर्फ। तो अब अगले कैमरामैन होंगे हमारे राजेंद्र मीणा आर्य भाई का जय पियार। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराया तो यहाँ पर आईडी आ रही है, फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हमारे लाइव अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों पाप धोने की तैयारी चालू, अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। सबसे पहले घड़ी खोल दी और अब चड्डू खोलेंगे। तो गाइस हैव अ लुक। तो गुरु हो जा शुरू, तीन बोलते ही जंप करना है। जंप करना है, हाँ ठीक है। और तो दोस्तों ये तो मैं भी निकाल दूंगा तेरे लिए टॉवल यार। तो दोस्तों ये है हमारा कवर, नहीं नहीं हमारा टॉवल नहीं, ये जो चड्डी है देखो कितनी कलरफुल पहनता है ये, देखो एक बार। रंगीन आदमी है तो रंगीन चड्डियां पहनेंगे यार, लेकिन वट थोड़ी है। तो अभी देखो गुरु हो गया शुरू। दोस्तों मुझे डर लग रहा है, सच बोल रहा हूँ, पानी से इतना डरने लग रहा है जितना अंदर यहाँ मछलियाँ दिख रही है। कैमरे के अंदर आपको साफ नहीं दिखाई देगा क्योंकि पानी धुंधला हो रहा है, लेकिन मछलियाँ तो उनसे डर लग रहा है मुझे। दोस्तों अंदर है ना चिकना बहुत हो रहा है, जिसको देसी भाषा में बोल सकते हैं कंजी है, जिससे पैर स्लिप होने का डर, इसलिए मैंने रस्से का सहारा ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता है, होना खतरों का खिलाड़ी। मम्मी और पापा आप लोग देख लीजिए, अपने पाप धो रहा हूँ, आप लोग तो बहुत डांट सुनता हूँ ना। Well done, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। क्या है? अबे मछलियां हटो, अबे इतना भी कर रहा हूँ यार। दोस्तों मैं आ चुका हूँ कमर कमर जितने पानी पर, अंदर मछलियां टच कर रही है मुझे, लगाते हैं डुबकी। दोस्तों पानी बहुत ठंडा है। काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे मैं पानी बहुत ठंडा है, अंदर मछलियों का डर लग रहा है मुझे यार, टच कर करके जा रही है। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness too. Starting में जब मैं अंदर घुसा था मैं पानी के अंदर, तब बहुत ठंडा लग रहा था, अब इतना ठंडा नहीं लग रहा है। चार मिनट का हो गया, अब क्या डुबकी मारते रहेगा क्या इसमें चार मिनट की? दोस्तों राजू बोल रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया चार मिनट का, कोई बात नहीं यार, ये मेरा टैलेंट है। दोस्तों इस टाइप की रस्सियां होती है हमेशा हर घाट के ऊपर, वो कभी भी आप किसी भी घाट पर अगर नहाने जाते हैं तीर्थ स्थल पर, इन रस्सियों के सहारे ही जाएं। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो ये आपकी काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि जब भी हम डुबकी लगाते हैं तो अपना बैलेंस बिगड़ता है अंदर जाने के बाद, तो ये रस्सी हमारे हाथ में रहेगी तो इससे हम डूबेंगे नहीं और बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों मैंने स्नान कर लिया है और अपने पाप भी धो लिए हैं जितने भी करे थे। तो दोस्तों ये वीडियो अरे ऐसा, तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, अब हम चलते हैं अगली लोकेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।